पे ओए, तू देख के नहीं चला सकता क्या? नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। म्यूजिक हेलो एवरीवन, आपने बहुत से टीचर से क्लास 10th की साइंस पढ़ी होगी। मैं तो स्टूडेंट हूँ और क्लास 9th का हूँ, फिर भी चलो अपने जूनियर्स को कुछ नॉलेज देते हैं जो मैं नॉलेज लेकर आया हूँ। और यहाँ से ये जो सीरीज है ये क्लास 10th की साइंस की होगी। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है आप जानते हैं और आपने हो सकता है पढ़ भी लिया। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो राइट करूँगा और जितनी जल्दी हो सकेगा वो आपको पढ़ाऊँगा और पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉप डस्टिंग में। जिस प्रकार से चैप्टर में नाम तय किया गया है उसको नहीं है और ये आपका पार्ट वन है, ठीक है। इस पार्ट में हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर समराइज करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दोस्तों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट में यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं थोड़ा सा खरीफ क्रॉप्स को समझते हैं, ठीक है, उनको हटा देते हैं अभी, उनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो सोन होती है रेनी सीजन, ठीक है। बारिश के मौसम, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं पैडी धान, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि आपने खेत में धान को उगाया तो क्या हुआ, उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक। इट्स डिपेंडिंग ऑन वाटर, ठीक है। वाटर जो पैडी है आपकी क्रॉप है वो डिपेंड करती है ऑन वाटर। उगाई कब जाती है समझो दोस्त। The crops which as sown are sown in a rainy season are called kharif crops. Okay? The rainy season in India की बात की जा रही है, जनरली जून टू सेप्टेम्बर, और जून टू सेप्टेम्बर है क्या है इसकी खरीफ क्रॉप्स की सोइंग पीरियड। तो यहाँ पर जून टू सेप्टेम्बर में ही उगाया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज चैट कर दीजिए, इससे मुझे पता चलते रहे कि आप हमारे साथ जुड़े। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, गेहूं। गेहूं दोस्त रबी क्रॉप में ही आता है। गेहूं से जो गेहूं है वो आप क्या करते हैं, खेत में थोड़ा सा देखते हैं कि वो जो है थोड़ा सा वाटर अवेलेबिलिटी है कि थोड़ी
समझते हैं और फिर ये जो चैप्टर है भाई समराइज करेंगे और फिर इस पार्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमने समझा। इस चैप्टर में हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं उनको समझा है। कौन कौन से हैं आपके लिए खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है, जून से सितंबर उनका सीजन होता है। पैडी मैच सोयाबीन ग्राउंड कॉटन और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च और फॉल रबी क्रॉप्स एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स और वीट ग्राम फेनी मस्टर्ड क्योंकि मुझे 5 मंथ में 1K सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो मेरा चैनल है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अविशान सिंह चैनल जो है वो है अविशान सिंह इंडियन चाइल्ड टीचर, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्त शेयर करो वीडियो, ताकि जो दूसरे व्यक्ति हैं जो आपके सहयोगी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उन तक ये वीडियो जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अबे ओए, तू देख के नहीं चला सकता क्या?